नेताजी का चश्मा। आज इस पाठ के हम बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन हैं। इस पाठ के लेखक हैं स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश का जन्म कौन से सन में हुआ था? उनका जन्म सन 1947 में हुआ था। स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था? चारों ऑप्शन में इसमें इंदौर सही है। उनका जन्म हुआ था इंदौर में। स्वयं प्रकाश किस पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं? इसका उत्तर है वसुधा। प्रश्न है, स्वयं प्रकाश को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उत्तर है पहल पुरस्कार। प्रश्न है, हालदार साहब कंपनी के नाम से उस कस्बे से कितने दिनों बाद निकलते थे? इसका उत्तर है 15 दिन बाद। प्रश्न है, कस्बे में किस चीज़ का छोटा सा कारखाना था? उत्तर है सीमेंट का। प्रश्न है, शहर के मुख्य चौराहे पर कौन से नेताजी की चश्मा प्रतिमा लगी हुई थी? उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न है, नेताजी की प्रतिमा की वेशभूषा कैसी थी? फौजी की। उत्तर आएगा फौजी की। प्रश्न है, नेताजी की प्रतिमा पर चश्मा कैसा था? उत्तर आएगा सामान्य काले फ्रेम का। प्रश्न है, दूसरी बार जब हालदार साहब ने देखा कि चश्मे का फ्रेम किसका था? गोल तार का। उत्तर आएगा गोल तार का। प्रश्न है, हालदार साहब ने चश्मे के बदलते रहने के बारे में किससे पूछा? उत्तर है पान वाले से। नेताजी की प्रतिमा को चश्मे कौन पहनता था और कौन बदलता था? उत्तर है कैप्टन। प्रश्न है, नेताजी की प्रतिमा किस मास्टर ने बनाई थी? उत्तर है मोतीलाल। हालदार साहब किस में बैठकर चले गए? उत्तर है जीप में। प्रश्न है, उस कस्बे से हालदार साहब कितने साल तक गुजरते रहे? उत्तर है 2 साल तक। प्रश्न है, नेताजी की प्रतिमा पर आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था? उत्तर है कैप्टन मर गया था। प्रश्न है, आखिरी बार नेताजी की प्रतिमा पर हालदार साहेब ने किसका बना हुआ चश्मा देखा? उत्तर है सरकंडे का। प्रश्न है, हालदार साहेब की आंखें क्यों भर आई? उत्तर है कैप्टन को याद करके। प्रश्न है।